क्या कोई बेअमल बेअदब नमाज को छोड़ देने वाला गुनाहों से मोहब्बत करने वाला क्या मार्फत अब्बास समझेगा? मार्फत अब्बास समझने का हक उसको है जो खुद तकवे की तहारत को हासिल करे फिर अब्बास को पहचाने। तो मौला अब्बास के हवाले से एक जुमला और सुन लीजिए कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आरजू है, एक आरजू है, और क्या आप अपनी सारी आरजुएं मौला अब्बास से मनवा कर क्या एक आरजू मौला अब्बास की मानेंगे? जी नहीं, मानना पड़ेगा। नहीं, यही तो कमाल है। हज वाजिब है, ज्यारत मुस्तहब है कि ताकि पहचाना जाए ये कौन मजबूरी में हज पर जाता है, कौन मोहब्बत में ज्यारत पे आता है। हज वाजिब है, ज्यारत वाजिब नहीं है। ठीक है, अहमियत के लिहाज से वाजिब कहा जा सकता है लेकिन फिकही एतबार से वाजिब नहीं है। ये एक इम्तिहान है इश्क और मोहब्बत का कि वहां जाना मजबूरी है, यहां जाना जरूरी है। हज पे जाना मजबूरी है वरना वाजिब अदा नहीं होगा, और करबला जाना जरूरी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मजमे का खामोश हो जाना अजीब सी बात है कि बहरहाल मैंने पूछा कि आपने सारी तमन्नाएं मौला अब्बास से मनवानी हैं, आरजुएं, एक आरजू मौला अब्बास की भी मानेंगे? और ये उन लोगों से है कि जिन्हें कभी जिंदगी में करबला की ज्यारत नसीब हो जाए, ये उन लोगों से है जिन्हें जिंदगी में कभी करबला की ज्यारत नसीब हो जाए। फरमाते हैं मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम रोज़े सरकारे सैयदुश शहदा पर जाकर अब्बास की तरफ से ज्यारत पढ़ देना। मैंने जुमला कहा और आपने सुन लिया, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे आका को सलाम करने के लिए कोई जाए और जाकर सरकारे सैयदुश शहदा को सलाम पेश करे और कहे ये सलाम मौला अब्बास की तरफ से पेश करता हूं। इसलिए कि ज्यारत हुसैन से इश्क की हद तक मोहब्बत थी मौला अब्बास को। अल्लाह अकबर, जिसकी आंख खुले तो हुसैन, आंख बंद हो तो हुसैन, वह क्यों ना चाहेगा ज्यारत हुसैन। तो अब जिस जिसको भी खुदा करबला बुलाए, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, मैंने कल खुद इस कैफियत को याद करते हुए दुआ मांगी थी कि असबाब नहीं होते, कहां से आएंगे पैसे, वीजे का मसला है और दीगर मसाइल हैं। मैंने एक मन्नत मानी कि मौला अब्बास अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपके आका को सलाम पेश किया जाए, बुलवा लें। ठीक है,